देखो मैंने तुम्हारा काम कर दिया केसरिया, अब अपने वादे के मुताबिक मुझे लखन का पता बताओ। लखन? ठहरो भाई, ये धोखा केसरिया, ये मेरी बचपन की आदत है गुड मैन। केसरिया, सर जॉन। हाँ सर जॉन, हमारे अभी सेठ जी गोली चढ़ गई। बंद करो ये सब, बंद करो बैंड बाजा, बंद करो जी बैंड बाजा। परमेश्वरी ये क्या बदतमीजी है? मुसीबत। मुसीबत? कैसी मुसीबत? आप अच्छे तो हैं। देवधर ये क्या नाटक है? काशीराम जरा इन्हें बताना कि अगर हमने इनको नाटक बता दिया तो इनका क्या होगा जी? पसीने छूट जाएंगे, धोती में कर देंगे आपकी तरिया। काशीराम। जय जय राम। मेरा मतलब है मत बताना, आपको मेरी कसम। ना ना मुन्ना ना, मेरा खून खोल खोल के कह रहा है कि मैं इनको चेतावनी दे डालू जी, दे डालू। अरे भैया तू अपना खून खून खोलाना नहीं और किसी से कहना नहीं। इधर आओ, सबके सामने बताओ कि वो चेतावनी क्या है। आप कौन? ये मेरे दोस्त हैं। माफ करना, माफी चाहता हूँ जी, मन्ने तो कोई ये स्मगलर बदमाश लागे था। सारी सारी भाई साहब, अगर तो आप इनके दोस्त हैं तो इनको समझाइए कि स्मगलरों से पंगा ना ले। स्मगलर? कौन स्मगलर? अजी वो है कोई हरामी कानिया सरजान। हाँ सरजान। और सेठ जी संबंधी होने के नाते मैं आपको समझाने आया हूँ कि आज जो सरजॉन के साथ आप खेल खेलने वाले हैं वो मत खेलिए, मत खेलिए, हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कौन सा खेल? मैं बताता हूँ जी आपको। देवधर मुझे बताने दीजिए, सब कुछ बताने दीजिए, आपके दोस्त हैं कि नहीं? देखो जी सरजॉन के साथ मेरी बेटी का झूठ मूठ का ब्याह कर देंगे और उसके बाद सरजॉन का कत्ल। देवधर अजी रुक जाइए, आप बताइए सरजॉन ने कोई चूड़ियां थोड़ा पहन रखी है? सरजॉन भी तो खड़ा हो जाएगा और फिर वो आपको पहले मारेगा क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, और फिर उनको मारेगा क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, और फिर मेरे को भी तो मारेगा। देवधर। अरे देवधर क्या, मैं आपको सरजॉन हरामजादे का खून करने नहीं दूंगा। माँ यही तो है सरजॉन। यही सरजॉन? सरजॉन एक नंबर का हरामी है। सेठ जी। वो कुत्ता है। सेठ जी। उल्लू का पट्टा है, कानिया है। सेठ जी। अरे सेठ जी क्या, अपने रिश्तेदारों की जान बचाना हम सबका फर्ज है, मैं आपको सरजॉन का खून करने नहीं दूंगा जी। बस मेरा खून कौन कर रहा है? मेरा खून? आपके खून की बात कोई नहीं कर रहा जी, मैं सरजॉन के खून की बात कर रहा हूँ, उस हरामजादे कानिये की जिसकी एक पत्थर की आंख है। तो फिर मैं ही वो सरजॉन। खिलाड़ी कमजोर निकला। अच्छी असली बात तो सुनो। चुप रह मूर्ख जाहिल। पंडित जी शादी के मंत्र शुरू कीजिए। वर को तिलक लगाइए, मंगलम भगवान विष्णु मंगल। अब मारी बारी है सरजान, देवधर शास्त्री की जय। कमाल कर दिया आपने तो, माय गॉड एकदम जेम्स बॉन्ड लग रहे हो आप तो। काशीराम तुमने देवधर को पहचाना ही नहीं। अरे बड़े बड़े शेर जिससे जाए डर, उस शेर का नाम है देवधर। ताली बजाओ। सेठ जी ये डायलॉग बोलने का टाइम नहीं है, एक्शन करो एक्शन। तो एक्शन नंबर एक, लखन को हमारे सामने पेश किया जाए। एक्शन नंबर दो, राधा बेटी को हमारे साथ भेजा जाए। एक्शन नंबर तीन, मैं खुद बोलूंगा। अब सरजान सारी स्टोरी यहाँ होती है खत्म और मारी स्टोरी होती है शुरू। देवधर शेर का शिकार करना ना तो बनिए का धर्म है और ना ही कर्म। इधर देख बापू, अगर किसी ने जरा सी भी हरकत की तो राधा को भून के रख दिया जाएगा। देवधर तूने चाल चली तो सही लेकिन पूरी सफाई के साथ नहीं। गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम निमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप वलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम। Thank you.
शंभर, देखो कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। तुम्हारा काल जो ठीक निश्चित समय पर आ पहुंचा है। ये माँ है उस राम की, जिसके लखन जैसे भाई को तुमने उससे जुदा कर दिया। ये माँ है उस लखन की, जिसको तुमने भ्रष्टाचार के गंदे नाले में फेंक दिया। ये पत्नी है उस ठाकुर प्रताप सिंह की, जिसके खून के धब्बे आज भी मेरी इस चुनरी में लगे हुए हैं। देख सकते हो धब्बे? पहचान सकते हो? नहीं तो देखो। देवधर, राधा बेटी को ले जाइए। विशंभर, मेरा लखन कहाँ है? ढूंढो बुढ़िया को और खत्म कर दो। भानु, पाथुर साहब, पाथुर साहब, आवाज नहीं, आवाज नहीं। कौन? बैटमैन। मालाय केसरिया बिलाती कभी फैल नहीं होता सरजान। क्यों बक्सा निकाल? नहीं, बॉक्स वहीं रहने दो। माँ जी आप यहीं रहिए, मैं लखन को देखकर आती हूँ। पहले ये बताओ कि बत्तियां बुझाई किसने? मैं? अगर मैं बत्तियां नहीं बुझाता तो तुम सबकी बत्तियां गुल हो जाने थी बैड ब्रदर। अरे जीजा जी बत्तियां जलवाओ ना यार। आवाज नहीं, आवाज नहीं, नहीं। इस अंधेरे में ही नागिन का सर कुचल डालो। दूता! शैतान जहां जहां राम वहां वहां। जी की चुनरी। चुनरी? हाँ, जिसके खून का रंग आज इस हवेली के चारों तरफ फैल रहा है। ये लो लखन, आज तुम्हें लड़ना है लखन। लेकिन याद रहे, लखन बनकर नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह बनकर। ये रहा तुम्हारी हवेली का वो कागज। तुम्हारी विजय में ही हमारी विजय है लखन। लेकिन इस खेल में विजय हमारी होगी विविया। I love you, लखन। लखन प्रताप सिंह, मौत खड़ी है तेरे पीछे। वर्दी पहनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? पहनाओ वर्दी, पहनाओ, पहनाओ वर्दी, पहनाओ वर्दी। पहना।
बच्ची को लेकर बाहर जाओ। चलिए जाइए। आइए सेठ जी, आपके तो अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन राधा बेटी की राधा शिवा के साथ गई है। यस, इंडिया इज ग्रेट। शिवा, राधा को बाहर ले जाओ। नीचे की सुरंग में जाकर बारूद वाला स्विच ऑन कर दो, क्विक। ओके सर। लखन, ऑफिसर, ऑफिसर, लखन का कुछ पता चला? आपका लखन जिंदा है भैया। लखन भैया, ये जख्म? हां, ये मेरे कर्मों की सजा है। ये वर्दी? हां भैया, अब मैं यही चाहता हूं कि अगर मेरी लाश भी मेरे भैया को मिले तो एक सच्चे इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह की मिले, उस बेईमान लखन की नहीं, जिसकी वजह से सबका सर हमेशा झुका रहता था। देख कहां ले आई तेरी हरकतें हम सबको। ये थे तेरे राधे, ये थे तेरे राधे, ये थे तेरे सपने। हाँ, दुनिया बदलने चला था ना तू? I'm sorry भैया। सॉरी क्या बच्चे, सॉरी बोलता तू? हाँ भैया, लखन तू पड़ जा, मैं नीचे जाता हूं। देवू, बेटे देवू, ये हवेली बारूद से उड़ा लो। हेलो, लखन, बेटा लखन, देखो मैं तुम्हारा चाचा हूं। चाचा लखन, चाचा विशंबर, यही है वो कमरा ना जहां से तुमने मेरी मां को धक्के देकर निकाला था। चल चल, तेरी बारी है। यही है वो राक्षस जिसने हमारे पिता की हत्या की थी। चलो, अरे केसरिया बाबू। सर जी हमें भी ले चलिए। पहले हम लोगों को फेल कर दिया, अभी केसरिया बाबू। भैया मैं इन्हें लेकर आता हूं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। हेलो हेलो हेलो, हेडक्वार्टर। हेलो राम, आओ राम, बचा सकते हो तो बचा लो इसे। चलो भालू। छोड़ो। नो फायरिंग, नो फायरिंग, जाने दो उसे, जाने दो उसे। ये
सर हवेली से मैसेज आया गीता को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? चल। बाजी। भालू, ले आओ शारदा को और बांधो इसी रेलवे लाइन पर जहां हमने प्रताप के टुकड़े टुकड़े किए थे। चल। को काटने चली थी तुम्हें? चल राम को, चल, चल, राम, अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई, तो याद रखना, मेरे साथ साथ तुम्हें इन दोनों की लाशें भी मिलेंगी। तुम वहीं खड़ी रहो। रुक जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अभी ठीक कहा था भैया, हजारों साल से लिखी रामायण की बातें और उनके आदर्शों को हम लोग न कभी बदल सके हैं न कभी बदल सकेंगे। जानते हो आज मुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आज मेरे लखन का नया जन्म हुआ है भैया।